जोहार साथियों, आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है। इस ब्लॉग में कुरमाली लेक के अनुसार किसी के डेथ होने पर 10वें दिन क्या क्या नेक किया जाता है वो आज दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले वो जलाने के टाइम का था, अब घाट नगाचारी दिखाने वाले हैं कुरमाली नेक के अनुसार। देखिए, सबसे पहले एक गोबर का ये बनाया जाता है। इधर बहुत सारा आदमी था और गोबर का ही बनाने के बाद एक घटी लेके नहाने के लिए घुसते हैं, जो उसका बड़ा बेटा होता है। और वो एक घटी एक लोटा में एक लोटा पानी अंदर से लेकर आते हैं, और लेकर आके वहाँ पे जहाँ पे लेप किया जाता है गोबर का, वहाँ रखा जाता है। अब पुरोहित आता है जो कुरमाली नेक से करेगा, और भेगना आता है। और तो मामा, भेगना और पुरोहित, ये तीनों मिलकर इस नेक को पूरा किया जाता है। देखा पाया तरह अकर पर। इसके बाद वो जो भेगना होता है प्रसादी को किसी गमला में रखा हुआ है, और पचीड़ा रहता है, वो चूड़ा रहता है। तो वो चूड़ा को उसके बाद पुरोहित के खात में जो था दाना था उसमें चावल था, अरवा चावल था, उसको डाला गया। फिर गुड़ को डाला जाता है, और उसके बाद काला प्लास्टिक में एक प्रसादी था उसको भी डाला जाता है। और इसके बाद एक गिलास में दूध होगा, ठीक है जो। और ये सब नेग मतलब भेगना का ही रहता है, वो इस प्रसादी को बनाता है अच्छी तरीके से सान के। तो अभी साना जा रहा है, और थोड़ा सा दूध उसमें से बचा के रखा जाता है ताकि बाद में उसका प्रयोग किया जाए। तो देखिए, अभी वही प्रसादी बनने का तैयारी हो रहा है। और फिर उसके बाद अब पूजा स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद नेक का काम चालू हो जाता है। पुरोहित कुछ कुछ बोलते हैं, तो घर का जो बड़ा बेटा होता है मतलब जो डेथ होता है उसका जो बड़ा बेटा होता है वही इस नेक को पूरा करता है। तो अभी वही चल रहा है पूजा पाठ, आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और ये लोग मामा, भेगना और पुरोहित तीनों मिलके ही पूजा करता है, असल बात यही है। अब फिर क्या होता है कि इसके बाद वाला जो काम होता है वो होता है टीका देने काम होता है। वो बनाया जाता है, पहले सबसे पहले भेगना लिया अपना, उसके बाद अपना मामा को दिया जाता है। चंदन टीका होता है। दूसरे नेग में भी ये टीका होता है, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। और पुरोहित को भी दिया जाता है। तो फिर इसके बाद फिर क्या होता है कि सात को दाना बनाया जाता है, सात को दाना बनाया जाता है, और उस दाना में थोड़ा थोड़ा प्रसादी उसमें दिया जाता है। पहले एक दाना में प्रसाद दिया जाता है। अब देखिए, बहुत सारा आदमी था जो देख रहा था कि किस नया नया नियम से हो रहा था, इससे पहले कभी हमारे गांव में हुआ नहीं है। तो देख रहा था सब कोई कि मेरा पापा भी बैठे हुए थे वहाँ पर, और इधर आदमी है, और बहुत सारा आदमी था जो बाल उल छिलवा रहा था। बाल छिलने का नेक भी रहता होता है इसमें। और ठंडा का मौसम था, फिर भी आदमी मज़ा ले रहा था और नेक देखने का आनंद भी ले रहा था। तो देखिए, अभी चल ही रहा है। और इसके बाद पूजा ख़त्म हो जाता है, वही सातों को दाना को दिया जाता है, और उसके बाद उसको सेट कर जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बाल छिला का काम हो रहा था, बाल छिला रहा है। और अब रात में क्या हुआ, वो सब होने के बाद रात में जागरण होता है। तो जागरण में ये जो है शिल्पी है, ये नरहरी महतो है और एक था मिसिर महतो। इन लोगों ने रात भर जागरण किया, इसमें गाँव का लगभग सवा दिन भाग लिया था इसमें।